बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाविद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अच्छी बुलिश नोट पे हुई है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर देखें तो इसमें तकरीबन 270 मिलियन का जो है बिलियन रुपीज का इसमें हमने इंक्रीज फिटनेस किया है। अच्छा, लास्ट वीक की कैंडल जो थी वो बड़ी खतरनाक थी ऑब्वियसली, लेकिन डेली पे एक गैप आ रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। वो ये वाला जो एरिया जो है, ये वाला एरिया, ठीक है, 71,800 या 72,200 का जो एरिया था, ये वाला एरिया जो था, ये 71,900 तकरीबन, समझिए 72,000 का बनता है एरिया ये, ठीक है। और इसका जो पिवोटल सपोर्ट है वो 72,175 है। अगर यूं देखा जाए तो डेली और वीकली पे 73,640 से लेके 72,175 ये एरिया ऑफ वैल्यू है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू, ताकि आपको समझ, ये वीकली का है एक्चुअली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे आ गया वीकली का। तो इसी के जो है एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर ही जो है मार्केट ने, बल्कि यहाँ पे बॉडी बहुत बड़ी, मैंने पहले भी कहा था ये बहुत, अगर कोई लॉन्ग वीक के साथ में इसको थोड़ा एक्सपेंड जूम इन करके बताऊं, ये बड़ी लॉन्ग विक के साथ अगर कोई डोजी बनता है तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। और ये अगर ये डाउन साइड पे बनता है तो इसका मतलब है कि बुलिश रिवर्सल। अच्छा, अच्छी बात ये हुई है, अच्छी बात, सॉरी दोस्तों, इस वक्त जरा मैं अपना ग्रैंड सन की बेबी सिटिंग भी कर रहा हूँ तो आपको जरा इसमें डिस्टर्बेंस आएगी, तो इसको जरा, इसके लिए सॉरी, आप इसको जरा बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, बहरहाल हम इस पे फोकस करते हैं, इस पे जो डोजी बना था ये वाला, ठीक है, लॉन्ग विक के साथ। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर जो इसने इसको इस विक के अंदर अंदर जो है इसने दोबारा इन लेवल्स को रिटेस्ट किया, ठीक है ना, स्पेशली जो ये वाला लेवल था, मैं यहाँ पे भी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला, इसका जो ये वाला एरिया नेक लाइन, इसको मैं, ठीक है, ये इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है, ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी बीच में, बल्कि मैं इसको और कलर दे देता हूँ कि बीच में ये आपको अलग प्रोमिनेंट नजर आए, ठीक है। ये इसकी, इस कैंडल की नेक लाइन सपोर्ट थी, देखें यहाँ पे इस कैंडल की भी नेक लाइन सपोर्ट थी, तो ये देखें यहाँ पर ये इससे नीचे, लेकिन क्लोजिंग इधर आई, ठीक है, ये एक समझिए एक तरह से एरिया ऑफ वैल्यू का पिविटल पॉइंट है ये, ठीक है। तो इधर भी कहीं आके जो है इंडेक्स वापस हो सकता है, सपोर्ट ले यहाँ पे आके 72,756 पे, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, सपोर्ट एरिया टू बाय हेयर, ठीक है ना। नीचे की साइड पे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था, जब ये 72,000 के अराउंड मार्केट आई थी यहाँ पे गैप फिल करने, तो मैंने कहा था यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम जो है लोअर साइड, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं जरा ये कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेवल्स आपको समझ में आ जाए सारे, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक मैं रहने दूंगा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, फॉर सपोज वीकली पे, मंथली पे, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था, जिसको मैं ऐसे ऑन द लाइटर नोट रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन कहता हूँ, ठीक है, वो है MA5 एक्चुअली ये है, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी इसी के रिस्पेक्टिवली चल रहा है, वीकली पे देखें, मंथली वीकली पे भी देखें, देखें अच्छा मैं यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा, असल में हमेशा जाहिर सी बात है हमें भी एनालिस्ट है, जाहिर सी बात है हम टेक्निकल देख रहे होते हैं, तो मार्केट ऑब्वियसली ओवरबॉट हो गई थी, मैंने कहा था कि हायर साइड पे आपने स्पेशली ये 76,000 का जो लेवल था इसमें मैंने कहा था कि ये हायर साइड पे जो मार्केट साइडवेज हो रही है तो साइडलाइन रहना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए इस लेवल पे, 76,000 समझ ले, वैसे तो 75,958 का ये लेवल है, राउंड अबाउट आप 76,000 समझ लें, तो इसके बाद हमने देखा यहाँ पे काफी अच्छी खासी डिप आई थी मार्केट में। तो अच्छा, इस जाहिर सी बात है ये इसको क्रॉस कर ब्रीच करके इस लेवल पे बंद हुआ था 74,271 पे, वीक की क्लोजिंग, लास्ट वीक की क्लोजिंग थी। तो जिस तरह जो मुझे फॉलो करते हैं वो उनको अच्छी तरह मालूम होगा, और मैंने पिछली वीक में मिसाल भी दी थी, जब इसने ब्रेक किया तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर भी एक दफा ऐसे ही हुआ था,
इस MA5 को इसने ब्रीच किया था और नेक्स्ट कैंडल ने इसको निगेट किया, बुलिश कैंडल ने, और यहां से मार्केट ने इतनी अच्छी मूवमेंट दिखाई अपसाइड पे। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसमें भी मैंने कहा था कि ये 9000 तक तो नहीं आया मार्केट कैपिटलाइजेशन, 9,910,000 जो बिलियन है उससे थोड़ा सा कम है 100 बिलियन। तो इसको मेंटेन किया हुआ था, जो मेरा टारगेट था 10 ट्रिलियन या 10,000 बिलियन का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ हिट हुआ है, वो अचीव हुआ है टारगेट, बल्कि जो बेंच मार्क है वो और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट डेली पे या आवर्ली पे करेक्शन लेते हुए ये लेवल जो है 83,400 और 84,800 ये एक होगा ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी। इसमें यहाँ पे भी मैं इसको मैं मेंशन कर देता हूँ ब्रेकआउट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ BT, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी होगा वीकली पे। तो आपको आप चीजें जरा समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि भाई देखें पहले भी ये MA5 का जो है ये ब्रेकआउट होता, आप देखें ना इतने इंडिकेटर होते हैं MA 50, 20 ये MA के होते हैं, फिर EMA के मुख्तलिफ होते हैं, लोग 8 भी अप्लाई करते हैं और 26, 20, 21, 23, 40, 50, 45। तो इसमें से आप ये देखिए सब प्रैक्टिस से होता है। तो जिस तरह भी मैंने हटा दिया तो वो मैं करता हूँ एनालिसिस के लिए, लेकिन सिर्फ आपको समझाने उसमें ज्यादा से प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है ना। लॉन्ग प्रैक्टिस अगर आप मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहे लंबे अरसे तक तो आपको वो चीजें उसमें भी वो भी अच्छी काम करती हैं। तो आप अपनी तरफ से प्लॉट कर सकते हैं MA 20 और MA 50 लॉन्ग जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब को फिल्टर करते हुए मैंने आपको इजीली एक रेलवे लाइन ट्रैक बता दिया है, ठीक है ना। अभी आप मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दूं, ठीक है, ये देखें यहां से ये देखें हिस्ट्री, देखें यहाँ ब्रेक किया, फिर अगेन यहाँ डोजी बनते 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 यहाँ एक्यूमुलेशन हुई, फिर यहाँ इसका ये अगेन ये रेलवे ट्रैक पे। अब इसके देखें इसको कभी इसने वो नहीं किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसने इसको बुलिश कैंडल, यहाँ इसके नीचे थोड़ी सी उसने क्लोजिंग दी इसके नीचे रेलवे ट्रैक पे, फिर अगेन डोजी बना, फिर ये मार्केट अब यहाँ पे जरा खतरनाक हो गई थी। वो लेवल्स ये थे 66,000 से लेके और इसकी नेकलाइन अगर सब ले लें तो 71,700 तक ये खतरनाक लेवल बन चुका था, ठीक है, ये सॉरी 66,000 से लेके 61,700 तक का। फिर अगेन यही जो है इसने कैंडल जो मैंने आपको पहले बताया इस बुलिश कैंडल ने इसको निगेट किया, मतलब यहाँ पे भी चांस हो गया था कि भाई क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई डोजी बनता, फिर डोजी के बाद भी देखना पड़ता है कि इसके इसको डोजी के बाद ऑब्वियसली नहीं कि मार्केट ऊपर जाए कभी नीचे भी जाती है, उसकी फिर मैं एग्जांपल आपको कभी और दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंगली मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर लिया। अभी आप देखें तो इसी के ऊपर क्लोजिंग आई है, MA5 जो है वो तकरीबन 75,500 के करीब है और क्लोजिंग जो है 76,700, अच्छी क्लोजिंग आई है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, अब एक और चीज में आपको जो मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम डेली पे आ जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट वीडियो में इसको डेली पे अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पे इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं, यहां से ये ले ले और ये इस लेवल को ले ले, ठीक है, बल्कि हम इसको ये वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे, हाँ वीकली पे हमने लगाया था शायद लास्ट टाइम भी, तो हम इसको वीकली पे देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला लेवल, क्योंकि ये जो विक है ना बहुत बड़ी बनी थी इसको भी ये फिल्टर आउट हो गई है, ये ले लेते हैं लेवल, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो लेवल है इसका 4.236, ठीक है ना, ये लेवल आएगा बीच में, ये लेवल बीच में आएंगे, ये आ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसको ये जूम इन कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा तो फिबोनाची के साथ, देखें ना यहां तो ये आ गया इसके ऊपर ही, मतलब क्लोजिंग तो अभी नहीं आई है लेकिन हो सकता है ये आगे जो देखिए इसकी सिंक्रोनाइजेशन भी तकरीबन मिलती हुई आ रही है। मेरे पास जो पिविटल जो है CPR है उसका अपर बैंड है पिविटल का वो 77,500 है,
ठीक है ना। और फिबोनाची के हिसाब से इसको मैं यहाँ पे भी शेयर कर लेता हूँ, ये वाला लेवल ठीक है, 77,400, 77,500, ये 600, ये सब आप प्लस माइनस बिटवीन 100 टू 200, 300 भी, ये सब प्लस माइनस होता है ठीक है डेली में और वीकली पे भी ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये आ सकता है 2.618 ठीक है, ये वाला ठीक है। जब 1.618 इसका गोल्डन रेशियो जो है वो ब्रीच होगा तो ये एक्सपोज हो जाएगा ठीक है। मैं लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे जो लेवल आते रहेंगे उस हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये लगा दूँ रेड कलर, अगला लेवल जो है 79,742 ठीक है। फिर अगर ये ब्रेक होगा, ब्रेकआउट मिलेगा इसका, तो फिर ये फिर अगला लेवल ये होगा 82,064। तो ये लेवल जो है आपको देखते रहेंगे, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी फॉर मोर अपसाइड यहां से फिर अगेन, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी मार्केट यहां से करेक्शन ले, सर अभी आपने करेक्शन देखी तो करेक्शन लेती हुई ये ऊपर जाएगी इंशाल्लाह इस तरह। लेकिन आपने ये देखे ना एमिट, इसको मैं चले अभी रहने देता, इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने लेवल बता दिया ना ठीक है ना, कि आप इसको प्लॉट करके खुद भी देख सकते हैं फिबोनाची को। तो अब इस वक्त देखें, चले इसको हम ले आते हैं इसपे कैंडल पे ठीक है। अभी आप इसको देखें तो ये MA5 के अकॉर्डिंगली मार्केट परफॉर्म कर रही है ठीक है। अगर देखें मैं आपको बताता हूँ, फॉर सपोज ये वीकली क्लोजिंग आई है और अगले वीक की क्लोजिंग ऐसी ही कोई बेरिश कैंडल इसके नीचे बनती तो फिर आपने साइडवेज हो जाना था, और देखते हैं मार्केट अब कहाँ अपना बॉटम बनाती है ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है जाती बात इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी होती इस वीकली कैंडल की, तो अभी कंफर्मेशन मिली नहीं बल्कि निगेशन मिली। अच्छा फिर मैं अगेन बता दूं आपको, निगेशन की भी कंफर्मेशन होती है कि इसके ऊपर कोई मजीद कैंडल अपसाइड बने, तो वो तकरीबन कम से कम भी 77,500 का जो मैंने अपर बैंड बताया इसके ऊपर मार्केट अगर परफॉर्म करती है इन बिटवीन 79,700 एंड 77,500, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो ये रिटेस्ट करेगा इंडेक्स वो 82,064 होगा इंशाल्लाह ठीक है। और हो सकता है कि कोई अच्छी खबर आ जाए इकोनॉमी के हवाले से तो ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री में भी एंटर हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।